ओके क्या दिया है इसमें, देयर आर थ्री सिचुएशंस इन विच इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस तो वी लीव द टेंस इज इन द रिपोर्टेड स्पीच अनचेंज्ड। क्या दिया है कि देयर आर थ्री सिचुएशंस इन विच इवन इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट टेंस तो वी लीव द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच अनचेंज्ड। जैसे पहला दिया है कि द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस ए यूनिवर्सल ट्रूथ और ए हैबिचुअल फैक्ट। रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस ए यूनिवर्सल ट्रूथ और ए हैबिचुअल फैक्ट। जैसे कि आर टीचर सैड ए मैग्नेटिक नीडल always points to the north. A magnetic needle always point to the north. तो reported speech is क्या है इसमें, universal truth है, तो universal truth जो है वो change नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, our teacher told us that a magnetic needle always points to the north. ये है हमारा मतलब, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी भी जो अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो वो चेंज नहीं होगा। ओके सेकंड, आई सेड टू द टूरिस्ट कॉमा इनवर्टेड कॉमा द इंडियन समर इज़ यूजुअली वेरी हॉट। तो ये क्या है, ये हैबिचुअल फैक्ट है। क्या है ये, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, ये हैबिचुअल फैक्ट है। तो जब वो चेंज होगा तो क्या होगा, आई टोल्ड द टूरिस्ट दैट द इंडियन समर इज यूजुअली वेरी हॉट। तो इसमें भी हैबिचुअल फैक्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड, द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब सिचुएशंस विच टेल्स एग्जिस्ट व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड। कि वो ऐसी सिचुएशन बताते हैं जो विच एग्जिस्ट व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड, जब स्पीच को रिपोर्ट किया जाता है। जैसे कि द स्टेशन मास्टर सैड ऑल द ट्रेन्स आर रनिंग लेट बिकॉज हैवी रेन्स हैव डैमेज्ड सम पार्ट्स ऑफ द ट्रैक। ओके तो उसमें क्या दिया है, द सिचुएशन कंटिन्यू टू बी अनचेंज एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है कंडीशंस चेंज हो रही हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, द स्टेशन मास्टर सैड दैट, ये सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, दैट ऑल द ट्रेन्स आर रनिंग लेट बिकॉज हैवी रेन्स हैव डैमेज्ड सम पार्ट्स ऑफ द ट्रैक। इसमें कोई रिपोर्टेड स्पीच में इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट दिया है सी, द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स टू क्लोजेज बोथ इन द पास्ट। द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स टू क्लोजेज, रिपोर्टेड स्पीच में दो क्लोज हैं और दोनों ही पास्ट में हैं। जैसे कि नीरज सेड टू मी दीपा वाज बिजी सो सी डिड नॉट गो टू सी द मूवी। भाई दोनों ही हमारे पास्ट में हैं, तो क्या हो जाएगा, नीरज टोल्ड मी दैट दीपा वाज बिजी सो सी डिड नॉट गो टू सी द मूवी। हमारे दोनों ही ये दो क्लोज हैं और दोनों ही क्या हैं, पास्ट में हैं, तो इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेट टू हमें जो हमारा जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ओके एंड हाउ एवर इन दिस केस इट वुड ऑल्सो बी करेक्ट टू से नीरज टोल्ड मी दैट दीपा हैड बीन बिजी सो सी हैड नॉट गोन टू सी द मूवी। तो वी से समथिंग बट वी टेल समबडी। अब हमारा सैड जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है और इससे ज़्यादा इसमें जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम चेंज करेंगे तो इसमें और ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ओके इसमें क्या दिया है, एक्सरसाइज वन पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग दैट एज ए कंजक्शन। हमें क्या करना है, इसमें कंजक्शन ऐड करके इनडायरेक्ट स्पीच को फॉलो करना है, ओनली कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, नथिंग एल्स। द प्राइम मिनिस्टर सेज इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। तो बस क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर सेज दैट इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। बस आपको ओरल प्रैक्टिस करनी है इसकी, आप कर लेना, नो नीड टू राइट इट। सेकंड दिया है, द इन्फोसिस चीफ हैज सेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज श्रंक द वर्ल्ड। तो बस ये क्या करना है, द इन्फोसिस चीफ हैज सेड दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज श्रंक द वर्ल्ड।
नेक्स्ट दिया है, एवरीबडी विल से इंडियन टेक्नीशियंस आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी विल से दैट इंडियन टेक्नीशियंस आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. इसमें खाली इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा आपका, नथिंग एल्स. तो इसको क्या करना है आपको, ऐसे इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है. ओके, माई aunt said it is a pity the government has failed to control inflation. तो आपको ये that लगा के सारे सेंटेंस को क्या है, चेंज करना है. तो यू विल डू इट योर सेल्फ, मैंने आपको समझा दिया है, डू इट योर सेल्फ. ओके माई डियर, इफ एनी डाउट इफ यू हैव तो यू जस्ट आस्क मी. सो आई थिंक सो इट इज़ इनफ फॉर टूडे एंड रेस्ट विल बी डन टुमारो. ओके, सो टिल देन गुड बाय एंड हैव ए गुड डे.